अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हमारा दूसरा लेक्चर है आज का, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेपरेशंस, प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यू नो दैट दैट इज़ CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम इसको नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, नेचर में हम देखते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन 0.033%। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर एंड 0.03% बाय वॉल्यूम ये एयर में प्रेजेंट होता है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन माइंस और केव्स में भी ये पाया जाता है। एंड इट इज आल्सो इवॉल्व्ड फ्रॉम वॉल्केनोज। जो वॉल्केनोज, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनोज में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर हम एयर की बात करते हैं, तो इन एयर इट इज़ प्रेजेंट इन द परसेंटेज ऑफ 0.03% बाय वॉल्यूम। लेकिन नेचर को छोड़ के हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री में हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, या इंडस्ट्री को छोड़ के हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोथ इन इंडस्ट्री और एज वेल एज इन लेबोरेटरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंडस्ट्रीज, एंड दैट इज कॉल्ड कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहली जो हम यहाँ पे प्रेपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे मैं लिख रहा हूं कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कमर्शियली या इंडस्ट्रियली हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम बेसिकली लेते हैं मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स। इंडस्ट्री में हम क्या काम करते हैं, हम कोई भी मेटल कार्बोनेट लेते हैं, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया, या अल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स ले लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सारे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हम इंडस्ट्री में लेते हैं, इनको हम डायरेक्टली हीट कर देते हैं, और हीट करने की वजह से ऑल द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स दे गेट डिकम्पोज्ड, एंड ड्यू टू दैट डिकम्पोजन दे रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड दिस मेथड इज देयरफॉर वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ गुड यील्ड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंडस्ट्री। सो यहाँ पे हम मैंने पहले ही कहा, जो कमर्शियल प्रेपरेशन है या इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं बाई हीटिंग कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पे आप मान के चलो ये आपका कार्बोनेट है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, तो ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और साथ ही में ये कैल्शियम ऑक्साइड वाला कंपाउंड देता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड पे ही रहेगा। दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, व्हेन इट इज हीटेड, इट डिकम्पोजेस टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम कलेक्ट करके ऐसे करके हमें इस रिएक्शन से बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का यील्ड मिल जाता है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट के बदले जिंक कार्बोनेट भी ले सकते हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया है MgCO3, इसको भी आप हीट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल सकता है, और साथ ही में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे भी मिलेगा। दैट मीन्स इन इंडस्ट्री और कमर्शियली वी प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय हीटिंग कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, और सिमिलरली वी कैन आल्सो हीट कार्बोनेट ऑफ जिंक, एंड बाय दैट वे वी कैन आल्सो गेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मैंने कहा था क्या कार्बोनेट्स के बदले हम बाइकार्बोनेट्स भी चूज कर सकते हैं, या उनसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे मैंने अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट लेता हूं NaHCO3, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 मैंने ले लिया है। तो ये मैं 2 times यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको भी मैं हीट कर देता हूँ। दिस सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, 2 times मैंने लिया है, इसको भी मैं हीट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ और एक सबस्टेंस मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है हमें, और यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। दैट मीन्स व्हेन वी हीट बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, स्पेशली सोडियम बाइकार्बोनेट जो को जब हम हीट करते हैं,
तो हीट करने के बाद ये हमें सोडियम कार्बोनेट देता है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाता है। दैट मीन्स इफ वी हैव टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इंडस्ट्रीज और इफ वी हैव टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमर्शियली, वी हैव टू यूज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट। अपॉन हीटिंग दीज थिंग्स वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज द प्रोडक्ट, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें ये मिल जाता है। तो ऐसे करके आपकी पहली प्रिपरेशन कार्बन डाइऑक्साइड की क्लियर कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया बाय हीटिंग कार्बोनेट्स और बाय कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स एंड वी आर गेटिंग व्हाट लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई कंप्लीट आपकी पहली प्रिपरेशन। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड प्रिपरेशन पे, जो कहलाएगी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन के हिसाब से, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना हो लेबोरेटरी में, हम थोड़ा अलग कंसेप्ट लेते हैं। हम फिर से कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं या कोई बाइकार्बोनेट हम लेंगे, उनको हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं। इंडस्ट्रीज में अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आप कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को हीट करके उनको डिकम्पोज करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। लेकिन अगर हमें लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करना हो, हम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा के वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो देख लीजिए, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहां पे हम इसको हीट नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो ये एसिड मैंने ऐड कर दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने डायरेक्टली एसिड ऐड कर दिया, मैंने ट्वाइस एसिड लिख लेना है यहाँ पे, टू टाइम्स मैंने HCl ऐड कर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट को। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और इसके जो दो हाइड्रोजन यहाँ पे है HCl के, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाएंगे वाटर, और साथ में आपका कार्बन जो यहाँ पे निकलेगा वो निकलेगा एज कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स बाय ट्रीटिंग कार्बोनेट्स विथ एसिड्स वी आर गेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की ये वाली प्रिपरेशन जो है ये हम लेबोरेटरी में कैरी आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को आपने एसिड ऐड किया, एसिड ऐड करने की वजह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है फिर से डिकम्पोज हो जाता है और इसकी कन्वर्जन हो जाती है इनटू कैल्शियम क्लोराइड, और खुद ये डिकम्पोज होकर क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें चाहिए भी यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे करके आपकी जो सेकेंड प्रिपरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आप कैल्शियम कार्बोनेट को ही नहीं ले सकते, आप बाइकार्बोनेट्स को भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा के आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NaHCO3, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को भी मैं HCl यानी कि एसिड ऐड कर देता हूँ। आई एम यूजिंग बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी मैं HCl ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका सोडियम जो है, ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ निकलेगा एज NaCl, और यहाँ पे जो आपका ये हाइड्रोजन दो बच गए हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे ऑक्सीजन के साथ एज वाटर, और ये आपका जो कार्बन इसमें है ये बाहर निकलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स वी हैव ट्रीटेड बाइकार्बोनेट with acid HCl and once again we have got what, carbon dioxide. That means carbon dioxide in laboratory can be obtained by acidification of carbonates or bicarbonates, while as carbon dioxide can be prepared commercially by directly heating carbonates and bicarbonates, and in both the processes we get large yields of carbon dioxide. तो ऐसे करके आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रिपरेशन है, कमर्शियल प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिपरेशन तो हो गई, इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कलरलेस गैस, ये भी कलरलेस गैस होता है। इट इज ऑल्सो कलरलेस, टेस्टलेस गैस, कलरलेस गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह, ये भी टेस्टलेस गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है दैट इज पंजेंट स्मेल, इट हैज पंजेंट स्मेल,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज पंजेंट स्मेल एट द सेम टाइम इट इज कलरलेस एंड व्हाट टेस्टलेस। तो ये होगी इसकी दो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, इट इज लेस सोलिबल इन वाटर, लेस सोलिबल इन वाटर, बिकॉज आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से जो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा, दैट डाइपोल मूवमेंट विल बी जीरो, और डाइपोल मूवमेंट जीरो होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो बॉन्ड पोलैरिटीज है वो कैंसिल हो जाती है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है, और नॉन पोलर कंपाउंड वाटर में कम ही डिजॉल्व होते हैं, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में कम ही डिजॉल्व होता है। तो ये आगे इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद आप एक चीज यहाँ पे याद रखोगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये मान के चलो ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस वो मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप कंप्रेस करोगे एट 50 टू 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है अगर आप इसको कंप्रेस करोगे एट 50 टू 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। वी कैन इजीली लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू अ लिक्विड फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एट दिस प्रेशर 50 टू 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर हम इसको फर्दर प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड बाई सब्जेक्टिंग इट टू 50 टू 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड, और लिक्विफाई करने के बाद इसको हम सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी जैसे सॉलिड आइस होता है, वाटर को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड वाटर को हम फिर आइस में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स गैस वॉस फॉर्म। When its solid carbon dioxide is heated, it directly undergoes sublimation. यानी कि directly gas, solid carbon dioxide को जब हम heat करते हैं, ये liquid में convert नहीं होता, ये directly gaseous form में convert हो जाता है, यानी कि इसकी direct sublimation हो जाती है। तो solid form से directly gas में ये convert जब हो जाता है, ये कोई liquid form नहीं बनाता। जब ये liquid form में liquid form नहीं बनाता है upon heating, इसलिए हम कहते हैं इसकी जो direct ये property है, direct sublimation करता है, कोई liquid form नहीं बनाता है upon heating, कम temperature पे ये sublime हो जाता है, तो because of this thing it is called as what? कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ड्राई आइस इसलिए क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं, हीट देने से ये डायरेक्टली वेपर फॉर्म या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कोई लिक्विड या मॉइस्ट फॉर्म नहीं बनाता है अपॉन हीटिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। और ये ड्राई आइस जो है, जो मैंने कहा अभी अभी यहां पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस, जब हम इसको इथर के साथ मिक्स करते हैं, किसके साथ मिक्स करते हैं, इथर के साथ या ट्राइक्लोरो इथाइलीन के साथ जब इसको मिक्स करते हैं, या इथर के साथ जब इसको हम मिक्स करते हैं, बोथ सॉलिड आइस एंड इथर व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर दे गिव अ टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ -80 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस, ये इतना टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। That means this solid carbon dioxide, dry ice and ether or trichloroethylene, जब carbon dioxide को ether के साथ या trichloroethylene के साथ mix करते हैं, mixture का जो temperature होता है, that is in the range of -80 degree Celsius to -100 degree Celsius, यानी कि ये बहुत कम temperature provide करवाता है dry ice with ether or trichloroethylene, because of this thing, solid carbon dioxide or dry ice, it is used as refrigerant और कूलेंट, और इट इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट। फिर से मैं बता देता हूँ, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं।
ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इसको हीट देते हैं ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लिक्विड फॉर्म नहीं बनाता, यानी कि लिक्विड ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट फॉर्मिंग लिक्विड स्टेट, दैट मीन्स ये मॉइस्ट स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस भी हम इसको कहते हैं। तो यही ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप इथर के साथ या ट्राइक्लोरो इथाइलिन के साथ मिक्स करते हो तब ये टेम्परेचर कितना शो करते हैं, कितना डेवलप करते हैं, -80 to 100 डिग्री सेल्सियस। इस ये बहुत कम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर ये टेम्परेचर डेवलप करने की वजह से, इस मिक्सचर का जो ये टेम्परेचर होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से जो ये कम टेम्परेचर डेवलप करते हैं ये दोनों, इसकी वजह से इनको कूलिंग एजेंट या रेफ्रिजरेंट या कूलेंट के तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ख्याल रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर्स में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलिंग एजेंट के तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है सॉलिड ये जो ड्राई आइस है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट काजेज बर्नस ऑन स्किन। तो जब भी हम इसको यूज़ करें हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, हमें कॉशस रखना पड़ता है तो ये सॉलिड आइस हमारे स्किन पे ना पड़े क्योंकि थोड़े बहुत बर्नस यहाँ पे स्किन पे ये डेवलप कर देता है, सो इट इज़ ए बिट हार्मफुल। लेकिन फिर भी ये ड्राई आइस जो है बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग एजेंट है क्योंकि इस रेंज में ये -80 to -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डेवलप करता है इथर के साथ या ट्राइक्लोर इथाइलिन के साथ, इसकी वजह से इसको हम कूलिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, ये तो आ गया था कलर और इसका जो का टेस्ट आया था, इसकी स्मेल आई थी, इसकी सॉलिबिलिटी आ गई, फिर हमने इसका पढ़ा है क्या नेचर एज कूलिंग एजेंट, जो कूलिंग एजेंट है कूलिंग एजेंट एक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में एक्ट करता है वो तो हो गया। अब हम इसके बाद और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ नॉट पॉइजनस गैस। अगर हम किसी पर्सन को कार्बन डाइऑक्साइड के कोई ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डेथ नहीं होती, वो उसको डेथ हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे रूम में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, किसी पर्सन को यहाँ पे मैंने बिठा दिया, उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन नॉट ड्यू टू द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट लीड टू डेथ बट द पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन दैट प्लेस वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एक्सेस, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पॉइजनस सब्सटेंस लाइक दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अलावा मैं आपको और एक बात बताता चलूं इसके बारे में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट, अगर आप इसको हीट देते हो तो ये डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं होता है, दैट इज वन मोर थिंग अबाउट दिस, इट इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, इसकी डिकम्पोजन हीट देने की वजह से नहीं होती। तो उसके बाद अगर आप एक चीज देखोगे, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, व्हेन वी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन व्हाट वाटर इट फॉर्म्स व्हाट कार्बोनिक एसिड, दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। आप यहां पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लो, इसको आप वाटर के साथ मिक्स कर दो, वाटर के साथ मिक्स करके ये बनाएगा क्या H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड वाटर में कार्बोनिक एसिड बनाने की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड मानते हैं। दैट इज व्हाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है मॉइस्ट फॉर्म में इट कैन टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, क्योंकि मॉइस्ट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इट स्लाइटली टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। स्लाइटली क्यों, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ब्लू लिटमस का रेड कन्वर्ट नहीं करवाएगा, रेडिश फॉर्म में रेड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा ज्यादा, क्योंकि एक वीक एसिड बनाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी आप मॉइस्ट फॉर्म में लोगे तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड फिर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, दैट इज व्हाई वी से द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक बिकॉज इट इज एबल टू कन्वर्ट और इट इज एबल टू टर्न द ब्लूइश कलर ऑफ लिटमस इनटू स्लाइटली रेडिश कलर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस व्हाट कार्बोनिक एसिड। इसके बाद हम बात करते हैं और एक प्रॉपर्टी की, जैसे यहां पे और एक प्रॉपर्टी मैं यहां पे बता देता हूं, जैसे आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइम और इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लैकड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसमें वाटर में, ये कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है,
कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है. व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्वड इन वाटर इट फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन. लेकिन जब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन वी ट्रीट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस. सो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कलरलेस, बट व्हेन वी ट्रीट दिस कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ये बनाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और बीच में निकल जाता है क्या, वाटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है. लेकिन जब हम इसको क्या ऐड कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर रिलीज करके, वाटर रिलीज करता है और साथ में क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी वाटर में डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ये बनाता है मिल्की सॉल्यूशन, मिल्की सॉल्यूशन. That means the colorless solution of calcium hydroxide, the colorless solution of calcium hydroxide gets converted into a milky solution when we treat this colorless solution of calcium hydroxide with what? Carbon dioxide. Carbon dioxide mein ye ability hai, it turns the colorless solution of calcium hydroxide into milky solution of calcium carbonate. Aur ye jo ye limestone yahan pe bana, humne lime ko limestone mein convert kiya and colorless solution of calcium hydroxide ko milky solution mein convert kiya. This property is called as lacking of lime. That means carbon dioxide is important compound and it is used in the conversion of lime into limestone, and this entire process is called as lacking of lime. And during lacking of lime, the colorless solution of calcium hydroxide is converted into milky solution of calcium carbonate. Lekin calcium carbonate ko agar hum, ye jo calcium carbonate hai milky solution hai, agar hum isko water add karte hain ya carbon dioxide phir se add karte the, ye calcium bicarbonate banata hai, wo phir se colorless solution hoti hai. Wo जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, अगर हम उसको हीट करेंगे, हीट करके वो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट वापस दे देता है, फिर से मिल्की कलर वहां पे अपीयर हो जाता है. तो ये अगली बात, कैसे हम कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट की मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, दिस लैकिंग ऑफ लाइम कहलाती है ये प्रोसेस. फिर हम अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से ऐड कर देते हैं तो फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनती है, उसको मिल्की सॉल्यूशन फिर से कलरलेस बन जाती है. तो उस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की कलरलेस सॉल्यूशन को हम एक बार फिर से मिल्की कलर कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो ये आ गया आपका स्लैकिंग ऑफ लाइम वाली प्रोसेस, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एक कलरलेस सॉल्यूशन को मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. तो ये आ गई कार्बन डाइऑक्साइड की और एक प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करता हूं जो आपको पता है, सिक्स टाइम्स में यहां पे वाटर ले लेता हूं, सिक्स टाइम्स वाटर सिक्स टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन्स विथ व्हाट, वाटर सिक्स टाइम्स इन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन्स विथ वाटर इन केस ऑफ प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स. C6H12O6 यहां पे बनता है, एक तो ग्लूकोज बनता है और उस साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हैज द एबिलिटी, इट रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 एंड अदर कार्बोहाइड्रेट भी बन सकते हैं. यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाता है. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऐसे करके ये मदद करता है प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज बनाने में. और वही कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज फिर ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, उससे हम डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कैरी कर पाते हैं. तो ये हो गया सारा कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम आते हैं यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहला यूज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने कहा था इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सॉल्युबल होता है. लेकिन जब ये सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में. जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, जो वहां पे सॉल्यूशन बनती है दैट इज कॉल्ड एरिएटेड ड्रिंक.
एरिएटेड ड्रिंक जैसे हम कोका कोला यूज करते हैं या सुप्राइट यूज करते हैं, और उन एरिएटेड ड्रिंक्स में कोका कोला में या सुप्राइट में जब हम ढक्कन खोल देते हैं तो वहां से वो गैस बाहर आ जाता है। वो गैस होता है क्या है, उसमें हमने एट हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व किया होता है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग एरिएटेड ड्रिंक्स जस्ट लाइक दैट ऑफ कोका कोला, सुप्राइट और एनी अदर। और सोडा भी हम इस्तेमाल करते हैं, सोडा में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। सो नेक्स्ट यूज जो यहाँ पे आएगा, सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। जो ड्राई आइस है, मैंने कहा था ड्राई आइस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप ट्राई क्लोरो इथाइलिन के साथ मिक्स करो या इथर के साथ मिक्स करो, ये ड्राई आइस टेम्परेचर कितना डेवलप करता है वहां पे -80 to -100 degrees Celsius, उसकी वजह से हम इसको कूलिंग एजेंट या कूलेंट के तौर पर या रेफ्रिजरेंट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्लैकिंग ऑफ लाइम। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ऐसे ही एक और प्रोसेस है, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आप देख लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट एस ब्लॉक वाले यूनिट में है, उसमें हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक वाइज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का और एक यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन ऐड कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। उसकी क्या हो जाती है वहां पे रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी तरफ से कार्बन मोनोऑक्साइड है। व्हेन वी ऐड कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाती है रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड इन लेबोरेटरी एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पे यूज कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। लेकिन जो सबसे बेहतरीन यूज है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ये है कि सॉलिड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और एक यूज में सबसे इंपॉर्टेंट यूज बता देता हूं आपको, कार्बनोजन। आपने एक नाम सुना होगा केमिकल का, दैट इज कॉल्ड कार्बिनोजन। कार्बिनोजन इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। कार्बिनोजन इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 to 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं With 5 to 10% of what? Carbon dioxide. Oxygen को जब हम mix करते हैं with 5 to 10% of carbon dioxide, this mixture is called as carbinogen gas. ये जो carbinogen gas है, ये हम उन patients को देते हैं जिनको pneumonia हुआ हो, जो patient pneumonia से suffer करते हो, उनमें उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वरना उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बिनोजन सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। या कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया हो, वो ऐसा इंसान जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हो, वो भी अच्छे से सांस नहीं ले पाता, उसको भी हम आर्टिफिशियली कार्बिनोजन का मिक्सचर सप्लाई कर देते हैं। ऐसे उसका उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स दिस कार्बिनोजन इज यूज्ड एन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम निमोनिया और फॉर द पेशेंट्स हैविंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। उनको बचाने के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ कार्बनोजन मिक्सचर के फॉर्म में हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपकी जो सारी प्रॉपर्टीज और प्रेपरेशंस और यूजेस थे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज सिलिकॉन्स,
सिलिकेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिलिकॉन्स की प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे, सिलिकॉन्स का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन्स के यूज, सिलिकॉन्स के किसके काम आते हैं। वैसे ही हम सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थो सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, पायरो सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपके नीट के एग्जाम के लिए भी। सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स वाला टॉपिक जो है उनका स्ट्रक्चर इन डिटेल हम अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन आप जो है, आपको एक काम करना है, जो भी हम पढ़ाते हैं टेक दोज थिंग्स सीरियसली। आप एक स्पेशली डिजाइनड कॉपी, एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ हमारे लेक्चर से भी आप ले सकते हैं, या कुछ कुछ पॉइंट्स अपने बुक्स से भी नोट डाउन करके एक अच्छी सी कॉपी मेंटेन कीजिए, ताकि आपको बोर्ड आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो टिल आई विल बी कमिंग, जब तक मैं दूसरा वीडियो लेकर आता हूँ, आप तब तक अच्छे से मेहनत करके अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर कीजिए, और जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।